नाम गोविंद है विश्वकर्मा, बट मुझे श्री के नाम से सब जानते हैं। मैंने ये शॉप जब स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, बट लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए आज मेरा शॉप चला रहा हूँ। लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ नहीं, मुझ पर भरोसा किया, नहीं ये बंदा कर सकता है, इसलिए आज लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं चला के आ रहा हूँ और आज अच्छे तरह से काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी रिसेंटली एक हायाबुसा बनाई जा रही है, एक हेलकैट बन चुकी है, उसकी फोटो आप देखेंगे। हमें मैंने एक बाइक डिज़ाइन की थी सुजुकी सामुराई डबल सिलेंडर साथ में, फोटो सक्सेस नहीं कर पाया। फिर लोगों ने मुझे कहा कि आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, आपको उतनी एबिलिटी नहीं है, तो ये बात मुझे कहीं मन में लगी, इसलिए मैंने फिर हर कंपनीज में जाके हर प्रकार से हर चीज़ें सीखी। पेंटिंग ओवरऑल कस्टमाइजेशन के लिए हमें चाहिए, पेंटिंग मैकेनिकल वर्क टोटली नॉलेज चाहिए, तो मैंने हर चीज़ सीखी। फिर 2012 में मैंने एक बाइक डिज़ाइन की, वो मेरी सक्सेस रही। फिर उसके बाद से जो मैंने बनना चालू किया इसकी ये एक्सपीरियंस के लिए, मैं डीसी में भी मैंने जॉब किया 5 से 6 साल चिंचोड़ डिपार्टमेंट में, आरएनडी में किया था। फिर उसके बाद कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर मुझे जॉब ऑफर्स नहीं मिल रही, फिर मुझे नोमैड से ऑफर आया, उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पर मैंने 2 साल जॉब किया, 2.5 साल के लमसम। फिर उसके बाद मैं देख रहा था, तो फिर मैं मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना शॉप ओपन करूँ, क्योंकि लोगों ने बहुत अप्रोच किया था मुझे कि आप करो, आपको काम अच्छा आता है, आपकी स्किल अच्छी है, आपके में टैलेंट है, इसलिए मैंने मेरे शॉप का स्टार्टअप किया। बाद लोगों का मुझे बहुत ही हौसला बढ़ाया लोगों ने, इसलिए मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में 3 से 4 गाड़ियाँ मिली, जो कि मैंने ग्रीन कलर में, एक डेजर्ट स्ट्रॉम में कलर में, फिर एक ब्लैक और एक सिल्वर, ऐसे 4 कलर में मैंने वो गाड़ियाँ बनाई। ये बॉबर बनाने के लिए कॉस्टिंग बाहर आप मार्केट में लेंगे तो 60,000 लमसम लिया जाता है, बट तो मैंने डिज़ाइन किए से 30,000 में। इसी वजह से मुझे फ्रेंड सर्कल में सबको लगा कि बजट इसका कम है और बेटर है और गुड क्वालिटी है, इसलिए मुझे काम मिला। और स्टार्टअप मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल की वजह से किया, और स्टार्टअप करते समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कितनी बाइक्स बना सकता हूँ, लेकिन एक के पीछे करके मैंने 4 गाड़ियाँ बनाई। जनवरी में मैंने ओपन अप किया मेरा शॉप, और आज 4 से 5 महीने निकल चुके हैं, 5 महीने मैंने 4 गाड़ियाँ बनाई हैं, और जो कि कस्टमर सेटिस्फाइड हैं अच्छी तरह से और खुश भी हैं बहुत हद तक। तो जून के सेकेंड वीक में आपको हायाबुसा का ओवरऑल ओरिजिनल पेंट जॉब हो जाएगा, तो आपको गाड़ी का पूरा लुक मिल सकता है। और उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे वीरोड पे काम करते हुए हमारे बंदे दिखाई देंगे, क्योंकि मेरा हायाबुसा के बाद का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और इसकी कॉस्टिंग जाती है लमसम 140, और उसमें आपको ओरिजिनल डायमेंशन के हिसाब से, जबकि हम ये बॉडी जो इस्तेमाल करते हैं हायाबुसा की, जो ओरिजिनल बॉडी है उस पर हमने डाई बिल्डअप की हुई है, इसकी वजह से हमारी जो डाई है, जो हेडलाइट है, हम जो हेडलाइट यूज़ करते हैं वो हम हमारी बॉडी ओरिजिनल होने की वजह से हमें हेडलाइट ओरिजिनल हम यूज़ करते हैं, इंडिकेटर हम ओरिजिनल यूज़ करते हैं। हमारी लोकेशन पिंपरीजिन चौड़ में है, और आपको लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑथोराइज किया हुआ है, कस्टम लाइसेंस होने की वजह से हमारे पास में हैंडीकैप व्हीकल्स, फूड व्हीकल परमिशन होने की वजह से, जैसे कि लेफ्ट कोई बंदा होता है जिसका लेफ्ट हैंड नहीं होता है, तो उसे अभी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया था उस्मानाबाद का, तो बंदे का लेफ्ट हैंड ना होने की वजह से उसे गियर चेंज करने नहीं जानते थे, तो वो ड्राइव मैंने पूरा उसे राइट साइड में शिफ्ट करके दिया। फिर एक बंदे का राइट पैर नहीं था, तो उसे एक्सीलेटर ये सब शिफ्टिंग चाहिए था, तो ये सब हम हैंडीकैप व्हीकल भी बनाते हैं। अभी रिसेंटली जो शॉप में मैं जॉब करता था, वहाँ पर एक मैंने मेरा क्लाइंट आया था जिसे मैंने बना के दिया, उसे एक व्हीलचेयर अटैच करनी थी उसके ब्रेजा में, इस तरह से हमने अटैच की थी कि उसे स्लाइड करके आप पेशेंट के साथ में व्हीलचेयर के साथ में आप उसे उतार सकते हैं। मीन्स नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट को व्हीलचेयर से उठा के कार की सीट पर बैठाना पड़ता है, बट जो मैंने डिज़ाइन की थी टोटली स्लाइडर होने की वजह से वो बंदे को उठाना नहीं पड़ता था, व्हीलचेयर ही डायरेक्ट स्लाइडर में अटैच होती थी और व्हीलचेयर ही पूरी गाड़ी में बैठ जाती थी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इसका 80% काम हो चुका है बाइक का, बट बाकी का 20% मतलब जो पेंट जॉब है यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक, तो मे बी इसको 2 हफ्ते और लगेंगे, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जून में, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट आ सकता है वीडियो 20 जून के पहले आ जाएगा आई थिंक। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो शूट करने की परमिशन दें हमें, और मैं आपको ये पूरा बाइक का रिव्यू एक बार दे सकूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है एक
अगर पल्सर 200 को सॉरी पल्सर 180 को हम हायाबुसा में कन्वर्ट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, और एवरेज में और लुक में क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और लुक कैसा लगा हायाबुसा का और हमारे श्री भाई कैसे लगे आपको। तो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुणे का निकल साइनिंग ऑफ। प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।